안녕하세요. 전 그레이스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 성경 이야기 제목은 노아의 방주예요. 읽어드릴게요. पृथ्वी लोगों से भर गई थी, पर उन्होंने इतना ज्यादा पाप किया कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने उन्हें बनाया था। उसने पृथ्वी पर से हर एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलय भेजने का निर्णय किया।사람들 몸에 마음에 죄가 들어온 다음에 막 도둑질하고 사람들 놀리고 막 사람도 놀리고 도둑질하고 다른 사람이 말하는 거 이야기도 안 듣고 이렇게 됐어요. 그래서 하나님은 사람이 만든 것을 미안했어요. 하나님은 계획을 세우셨어요. 사람들에게 죄가 들어왔죠. यहां पर नूह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का निर्णय किया।하지만 한 가족은 하나님을 믿으며 살았어요. 그건 노아의 가족이었어요. 그래서 다 같이 행복하게 살고 있었어요. 그때 하나님이 큰 배를 만들라고 했어요. परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, तीन कोठरियों, एक खिड़की और एक द्वार के साथ एक विशाल जहाज बनाने को कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसका निर्माण किया।노아 보고 배를 만들라고 했어요. 하고 아주 튼튼하게 크게 만들라고 하셨어요. 그래서 산 꼭대기에다가 아주 큰 배를 만들었어요. 네, 배가 다 완성됐죠, 거의 다. 잘못 찍었네요. 3번이죠. परमेश्वर ने नूह को प्रत्येक जानवर की किस्मों में दो दो करके लेने को कहा, एक नर एक नारी। तब नूह
उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। ओ, 하나님이 모든 동물들을 두 짝씩 데려와서 배 태우라고 하셨어요. 두 짝은 암컷이랑 수컷 이렇게 두 명을 데려가라고 했어요. 다이아몬드네요. 네, 다이아몬드를 받았어요. 40 दिन और 40 रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुद्रों और झीलों से भी ऊपर आया। यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। तक बुनी दच्चा 비가 내리기 시작했어요. 비가 40년 동안 내렸어요. क्या परमेश्वर ने जहाज में प्रत्येक किस्म के एक एक जानवर को लेने के लिए नूह से कहा था? हाँ या नहीं? इगन एक्सेप्ट होते हैं। ओह अच्छा। इन सब के दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के जल के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। नोए 가족들은 한 나도 안 다치고 무사히 있었어요. 사자가 너무 귀엽네요. परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा, जहाज अरारात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा। जब वो वापस नहीं आई तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। 어느 날 노아는 비둘기를 내보냈어요. जब पृथ्वी सूख गई, परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रखकर कहा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा। 그때 비둘기가 나뭇잎을 갖고 왔어요. 그래서 땅이 있는 걸 알게 되었어요. 그래서 배가 땅에 착륙하자 모두들 배에서 다 내렸어요. 그 다음에는 하나님이 다시는 세상을 물로 뭐지 접지 않겠다고 말했어요. 그러면서
약속하시면서 무지개를 하나 만들어 주셨어요. परमेश्वर ने एक इंद्रधनुष को आकाश में वादे के रूप में रखा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा। सही या गलत? यस लगा बोलते हैं। क्यों제가 성경 이야기를 읽어드렸는데요. 재밌었네요. 그럼 또 다음번엔 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕.